जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता उन बेटा बेटियों के लिए, मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, अपने दर्शन करेंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी महाराज। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, कभी भी किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन, जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन, जहां मां जगत जननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था और किसने किया था महाराज? सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी। इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को दो वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है, वो सुलझा हुआ कर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। ललिता देवी चाहिए तो हमारे यहां भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है महाराज, छह धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी छह धार बनाई जाती है महाराज, और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को, जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था उसी तरह, फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना करकर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए, बस इतना अंतर रहता है।